सो इस वीडियो में सीखेंगे, अभी तक हम सिर्फ फोन पे यूपीआई, गूगल पे यूपीआई, पेटीएम यूपीआई को यूज़ कर रहे थे, बट अब आपको एक न्यू यूपीआई देखने को मिलेगा, फ्लिपकार्ट यूपीआई। अब आप फ्लिपकार्ट के अंदर भी यूपीआई फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाओगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोसेस है इसको साइन अप करने के लिए, वो चीज़ इस वीडियो में हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि पार्ट को स्किप मत करना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फ्लिपकार्ट से बहुत लोग शॉपिंग करते हैं, लेकिन शॉपिंग करने के टाइम जो हम पेमेंट यहाँ पे करते हैं ना, उसके लिए हम मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, लाइक फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, या हम कोई कार्ड को यूज़ करते हैं, लाइक जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और भी मल्टीपल वहाँ पे पेमेंट मोड ऑप्शंस मिल जाता है। पे लेटर का भी ऑप्शन मिलता है, ईएमआई का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन अब फ्लिपकार्ट ने फाइनली लॉन्च कर दिया है कि अब फ्लिपकार्ट के अंदर आप यूपीआई को भी यूज़ कर पाओगे, इसका खुद का यूपीआई रहेगा। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट को लेटेस्ट वर्जन में प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लेना। अपडेट कर लेने के बाद जब फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे ना, तो ऊपर में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्कैन एंड पे, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा। स्कैन एंड पे टैप करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और यहाँ क्यूआर कोड स्कैन करने का कैमरा ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप गैलरी में कोई क्यूआर कोड को फोटो कैप्चर करके रखे हो, तो यहाँ से क्यूआर फ्रॉम गैलरी से यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन कर पाओगे। थोड़ा सा नीचे में बॉटम में फोकस करोगे तो यहाँ तीन ऑप्शंस मिलेंगे, सेंड मनी, स्कैन एंड पे और माई यूपीआई। सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्कैन एंड पे जो ये वाला ऑप्शन अभी एक्टिव है, और सेंड मनी पे टैप करोगे ना, तो यहाँ आपके सारे यूजर्स के कॉन्टैक्ट नंबर शो हो जाएंगे। आप जिनके पास मनी सेंड करना चाहते हो इजीली उस पर टैप करके सेंड कर सकते हो। इसके साथ साथ ऊपर में यहाँ यूपीआई आईडी का भी फैसिलिटी दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे फ़ोनपे, भीम, गूगल पे, पेटीएम का भी यूपीआई, किसी भी एप्लीकेशन का यूपीआई आईडी पर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे सेटअप कैसे करना है, तो एक स्टेप बैक आ जाना, और बैक आने के बाद फिर से अगेन उस ऑप्शंस पे टैप करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ मिलेगा माई यूपीआई, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से फ्लिपकार्ट का यूपीआई का फर्स्ट इसका डैशबोर्ड आप बोल सकते हो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेगा, ऐड बैंक अकाउंट और ऐड रुपया क्रेडिट कार्ड। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में कि आप क्या क्या चीज़ करोगे तो आपको कौन कौन से कैशबैक बोनस मिलेंगे। यहाँ पे बहुत भर भर के आपको बोनस मिलने वाले हैं, जैसे कि हम पहले फ़ोनपे के अंदर कैशबैक लेते थे, अब यहाँ पे ये भी न्यू है, तो यहाँ भी कैशबैक अवश्य बात है कि देगा, ठीक है। तो अब देखिए नीचे यहाँ मिल रहा है ऐड बैंक अकाउंट, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है रुपये का तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन हम बैंक अकाउंट ऐड करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के पास बैंक अकाउंट तो होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे ना आपको बैंक चूज करना है कि जिस नंबर से आप फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हो उस नंबर से कोई बैंक अकाउंट है या नहीं, आप उसी बैंक को चूज़ करना। जैसे कि मैं यहाँ पे कोटक का ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे परमिशन को आप अलाउ करेंगे, यहाँ पे आपके इस नंबर पे कोई रिचार्ज प्लान भी होनी चाहिए। यहाँ पूछेगा SIM 1 SIM 2, SIM 1 को चूज़ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ वेरीफिकेशन कम्प्लीट होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, अकाउंट फाइंडिंग हो रहा। अब देखिए लास्ट अकाउंट के 4 डिजिट यहाँ पे शो है। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा डन, यहाँ पे दिखा रहा है UPI पिन एक्जेक्टिंग ऑफ दिस अकाउंट। आप चाहे तो यहाँ पे रिसेट भी कर सकते हो, लेकिन अपने को रिसेट नहीं करना, ऐड करना, तो डन पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे UPI ID देख सकते हो, फ्लिपकार्ट का ये ऑफिशियल UPI ID आप कॉपी करके शेयर कर सकते हो। यहाँ पे माई QR कोड का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर पाओगे, पे एंड UPI आप किसी के पास UPI के मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, स्कैन एंड पे पर आपको देखिए कैशबैक मिल रहा है, यानी सुपर कॉइन्स मिलेंगे, वो चीज़ हम आगे जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेमेंट मेथड, आप इस पर क्लिक करेंगे, पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शंस मिलेगा। अगर आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐड करनी है तो आप ऐड बैंक पे क्लिक करके और भी बैंक इसमें ऐड कर सकते हो। हाँ, आप क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, यहाँ आपको भर भर के ऑप्शंस एंड फीचर्स मिल जाएंगे। फिर से थोड़ा सा बैक आते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या फीचर्स दे रखा है। यहाँ पर देखिए टिकट्स का भी ऑप्शन है, ब्लॉक UPI ID का भी ऑप्शन है, हम टिकट पर क्लिक करते हैं। टिकट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है यू डू नॉट हैव एनी टिकट्स। देखिए टिकट्स का मतलब ये नहीं कि ट्रेन टिकट, यहाँ पे अगर आप कोई इशू दर्ज किए तो उसका एक टिकट जनरेट होता है, वो टिकट की बात कर रहा है, ठीक है। और भी यहाँ ज़्यादा कुछ अभी फीचर्स नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ अपडेट में और भी न्यू फीचर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप इस UPI को एक्टिवेट जब कर लोगे ना, तो आपको फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट का जो पेमेंट फेल्ड का जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी ना, वो यहाँ पे शो नहीं होगा। आप यहाँ से सारा कुछ यूज़ कर पाओगे और आपका 1 स्टेप के अंदर पेमेंट भी सक्सेस हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली फ्लिपकार्ट UPI को यूज़ करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये चीज़ पहले से पता थी या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।